हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए अपडेट में। और आज हम अपडेट देखने वाले हैं बुलेट ट्रेन का, और बुलेट ट्रेन में जो सूरत से आगे बिलीमोरा है वहां का स्टेशन का अपडेट अपन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का अपडेट शुरू करते हैं। आज का अपडेट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो बिलीमोरा स्टेशन है उससे लेकर और सूरत तक 48 किलोमीटर लंबा अपडेट होने वाला है। और अगर इस स्टेशन की बात की जाए तो सूरत के बाद बिलीमोरा स्टेशन रहेगा, जबकि इसके बाद वापी रहेगा। इस स्टेशन से जो कनेक्टिविटी रहेगी वो वलसाड़ और नवसारी की भी कनेक्टिविटी इसी स्टेशन से होने वाली है। ये स्टेशन केसाली विलेज के पास बनाया जा रहा है, जिससे अगर आप बिलीमोरा का डिस्टेंस देखेंगे तो वो 5 किलोमीटर के लगभग रहेगा, जबकि अगर आप NH-48 से कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो वो 7 किलोमीटर के लगभग रहेगा। ये पैकेज नंबर C3 के अंतर्गत हैं, जिसका काम L&T कंपनी कर रही है। और ये काफ़ी फास्ट काम हो रहा है, क्योंकि नवसारी से लेकर सूरत तक का जो पैकेज है इसी पे सबसे पहले काम कंप्लीट किया जाएगा, और इसी पे जो ट्रायल है वो ट्रायल किया जाएगा। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर आगे वापी स्टेशन मिलेगा और फिर आप मुंबई पहुंच जाएंगे, जबकि अगर आप इधर देखेंगे जहां पे अच्छा खासा काम आपको देखने को मिल रहा है, ये सूरत वाला साइड है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस स्टेशन के बारे में, और फिर उसके बाद दोनों साइड का बात करेंगे, और फिर अपन चलने वाले हैं सूरत में, जिसका आप और हम पूरा अपडेट देखने वाले हैं। ये स्टेशन टोटल 2 फ्लोर का होने वाला है, जिसमें से आप देख सकते हैं 1 फ्लोर का आधा काम ऑलरेडी हो चुका है, और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो पियर का काम हो गया है। इसके बाद इस पे जो पियर केप कॉलम बना दिए जाएंगे, और उसके बाद इस पे गर्डर लॉन्चिंग करके स्लैब कर दिया जाएगा। जबकि अगर आप बीच वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी काम कंप्लीट कर लिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेजिंग लगा हुआ है, यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही स्लैब का काम हुआ था, तो अभी स्टेजिंग निकाला नहीं है। आप अगर थोड़ा आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्लैब का काम कंप्लीट कर लिया गया है, जबकि अगर ये वापी के साइड पे और सूरत के साइड पे थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और ये स्टेशन का जो टोटल हिस्सा है, ये वो पॉइंट जहाँ मैं मार्क कर रखा है उससे लेकर और वहाँ तक ये पूरा स्टेशन होने वाला है। और ये जो हाइट है इसी यही फाइनल हाइट रहेगी, इसके ऊपर एक और फ्लोर आएगा। उस फ्लोर की मदद से आपको जो स्टेशन प्लेटफॉर्म का जो रूफ टॉप रहेगा, रेस्टोरेंट और ऑफिसेज रहेंगे वो उस पर बनाए जाएंगे। और इसी जो लेवल है इसी लेवल पर आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, और इसी लेवल पे ट्रैक रहेगा। और इसके थोड़ा आगे आप देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर का काम है उस पर 4-5 पिलर पे अभी गर्डर लॉन्चिंग बाकी है, तो गर्डर लॉन्चिंग के लिए गर्डर लॉन्चर लगा हुआ है, और ये गर्डर लॉन्चिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जल्दी यहाँ पे भी गर्डर लॉन्चिंग कर दिया जाएगा। जबकि अगर थोड़ा सा और आगे आप देखेंगे तो कुछ पियर का अभी काम चल रहा है, और एक जो ट्रांसमिशन लाइन थी उसका जो हाइट बढ़ाना था वो भी काम कंप्लीट कर लिया गया है। इसके आगे आपको पियर और पियर केप का काम देखने को मिलेगा, जबकि अगर और इससे आगे जाएंगे तो वहाँ पे पियर केप का काम, स्लेब का काम और साइड वॉल का काम तक कंप्लीट कर लिया गया है। अगर वहीं अगर अपन वापी के साइड की बात करें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कुछ दूरी पे ही पियर का काम कंप्लीट कर रखा है, अभी उन पे पियर केप भी नहीं बनाया गया है, जबकि इसके आगे तो आपको ज़मीन खाली दिखेगी, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पर ये थोड़ी दूरी पे ही ऐसा है, अगर इससे वलसाड़ की साइड पे आप जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट काम कर लिया गया है, और वलसाड़ की साइड पे आपको साइड वॉल का पूरा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट मिलेगा। तो यहाँ का अपडेट आपने देख लिया है, आप देख सकते हैं ये साइड में जो है यहाँ पे कास्टिंग यार्ड बनाया गया है, जहाँ पे ये गर्डर और साइड का जो वॉल है उसका कास्टिंग किया जाता है। यहाँ आगे देखेंगे तो हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के जो ऑफिशियली ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके लिए ऑफिस बनाया हुआ है, जबकि ये बीच में यहाँ पे जो स्टील वगैरह हैं उनका कटिंग का काम किया जा रहा है। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा आगे, और आपको जो नवसारी है जहाँ पे NH-48 को क्रॉस कर रहा है ये प्रोजेक्ट, तो वहाँ का अपडेट देते हैं कि वहाँ कितना कुछ
काम हुआ है और उसके बाद फिर सूरत की साइड पे चलेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नवसारी हैं और यहाँ पे लगभग काम कंप्लीट कर लिया गया है, फाइनल चल रहा है और इसके बाद इस पे ट्रैक डालने का काम किया जाएगा। और ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है ये NH-48 को दो बार क्रॉस कर रहा है, एक जगह तो जहाँ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे है और एक जगह है नवसारी के ही जो दूसरे मुंबई की साइड पे वापी के साइड पे जो बाईपास है उस पे क्रॉस कर रहा है। आप अगर इस पे देखेंगे तो यहाँ पे पियर पियर केप वाल साइड वाल सब कुछ ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हैं और कुछ कुछ जगह पे तो ट्रैक डालने का काम भी यहाँ पे किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ कुछ जगह पे जो साइड वाल हैं उसका काम किया जा रहा है जो कि हाइड्रा की मदद से, आप देख सकते हैं इसके ऊपर हाइड्रा है और उसकी मदद से इस वाल को उठाया जा रहा है और फिक्स किया जा रहा है, क्योंकि ये प्री कास्टेड रहता है और यहाँ लाके इनको जस्ट एक फिक्स करना रहता है। ये सूरत से बिलीमोरा और बिलीमोरा से जो वापी के साइड है वलसाड़ के साइड है ये सबसे पहले कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं बोलेंगे पर 70-75% आपको काम देखने को मिलेगा। अगर स्टेशन के जो दोनों बाजू छोड़ दी जाए तो उसके आगे आपको पियर पियर केप और स्लेब गर्डर सबका काम कंप्लीट देखने को मिलेगा। अगर आप इस जगह देखेंगे तो ये NH-48 जो है ये क्रॉस हो रहा है और यहाँ पे इसके दोनों साइड पे जो आपको पूरा काम देखने को मिलेगा, जबकि अगर आप इसके बीच में देखेंगे तो इस पे 2-3 पियर का काम चल रहा है और वो भी ऑलमोस्ट लास्ट ही चल रहा है, पियर बन चुका है और उसके ऊपर पियर केप का काम किया जाएगा, क्योंकि ये क्रॉसिंग है इसलिए यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल्टी रहता है। और अगर ये वाला जो आप हिस्सा देखेंगे पूरा ये LNT का कास्टिंग यार्ड है और क्योंकि इस यार्ड में जो हेवी वेट के जो गर्डर होते हैं वो साइड वाल हैं उसका कास्टिंग किया जाता है। आपने यहाँ का काम भी देख लिया है और सूरत जो स्टेशन है उसका अपडेट मैं ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दिया हूँ वहाँ से जाकर देख सकते हैं, पर पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और इसके बाद इसके आगे अगर अपन चलेंगे तो ये पूरा काम कंप्लीट मिलेगा। इसमें काफ़ी टास्क रहता है क्योंकि बीच में नदी है, ओवरपास अंडरपास तो नहीं है ओवरपास ही है, पूरे ब्रिज हैं उनका काम किया जाता है। और इसके जो आगे हैं वो पूरा काम कंप्लीट कर लिया गया है और यहाँ का अपडेट आपने देख लिया है, ये ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है जिस पे बहुत जल्दी जो ट्रेन की पटरियाँ हैं बुलेट ट्रेन की जो जे टाइप का जो ट्रैक है वो बिछाया जाएगा और उसका कुछ काम भी चल रहा है। और अब इससे जो आगे आप जाएंगे तो 10-15 किलोमीटर आगे सूरत आपको मिलेगा, जिसका अपडेट मैं ऑलरेडी दिया हूँ और वहाँ का फुटेज भी आपको मैं ये दिखा देता हूँ। आज का अपडेट इतना ही था, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।